हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पांच ऐसे एक्शन मूवीज जिन्हें देखने के बाद आप जॉन विक को भी भूल जाओगे। एंड द फिफ्थ वन इज रोड हाउस, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2। ये स्टोरी है एक MMA फाइटर की जर्नी की, कि कैसे वो एक रोड हाउस में बाउंसर का काम करता है, जहाँ उसे काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, और साथ ही साथ उसका पास्ट भी उसको हॉन्ट करता है। अब वो कैसे प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट के साथ भी डील करेगा और कैसे खुद को ऑक्यूपाइड रखेगा, वो सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी वो इसके एक्शन सीन्स हैं, जो कि आपको एकदम रियल फाइट्स का फील देंगे। तो अगर आपको एक रिफ्रेशिंग सी एक्शन मूवी देखनी है तो देर किस बात की, जाओ और देखो। नाउ द फोर्थ मूवी इन द लिस्ट इज एक्सट्रैक्शन, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8। ये वैसे तो हॉलीवुड मूवी है, पर इसमें काफ़ी नामी बॉलीवुड एक्टर्स ने भी बखूबी काम किया है, जैसे पंकज त्रिपाठी, रणदीप हुड्डा, और इसकी शूटिंग लोकेशंस भी इंडिया और बांग्लादेश के पार्ट्स में हुई है, तो इंडियन फैंस के लिए काफ़ी रिलेटेबल होगी ये मूवी। ये मूवी एक रेस्क्यू मिशन को दिखाती है, अब किसे रेस्क्यू करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारे जवाब आपको मूवी देखने के बाद मिलेंगे। मूवी में सारे ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है और आपको खुद से बांध के रखती है। इस मूवी की जान है इसकी स्टोरी और एक्शन कोरियोग्राफी, और ये उस बात को डिलीवर भी करती है, ना कि हमारी कुछ बॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की तरह कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। बाय द वे, नो ऑफेंस, कुछ अच्छी एक्शन मूवीज़ भी हैं बॉलीवुड की, और हम जल्द ही उन पर भी वीडियो लाएंगे। मेरे लिए जो इस मूवी की सबसे अच्छी बात थी वो थी क्रिश हेम्सवर्थ को एक नए अवतार में देखना, एंड रणदीप हुड्डा फाइनली गेटिंग द रोल्स एंड रिस्पेक्ट ही डिजर्व। तो अगर आपको एक रेस्क्यू ऑपरेशन बेस्ड एक्शन मूवी देखनी है तो ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। नाउ द थर्ड मूवी इन द लिस्ट इज बुलेट ट्रेन, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वहाँ लोग आपस में फाइट करना शुरू कर दें, वो केओस, वो डर का माहौल, बस वही तो जान है इस मूवी की। ये एक एक्शन मूवी है जिसका अनप्रेडिक्टेबल होना ही इसको बाकी मूवी से अलग बनाता है। इस मूवी में ब्रैड पिट का रोल एक सीरियल किलर का है, जो बिना किसी खून खराबे के अपने मिशन को अंजाम देना चाहता है। अब क्या क्या मुश्किलें आएंगी और क्या वो अपना मिशन कंप्लीट कर भी पाएगा या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देखने पर मिलेंगे। इसका डार्क ह्यूमर और इसके जोक्स आपको एक पल के लिए भी इससे दूर नहीं होने देंगे। डेविड लीच ने एक बार फिर से बता दिया व्हाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म डायरेक्टर। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसके एक्शन सीक्वेंसेस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किए गए हैं। तो अगर आपको एक अलग तरीके की एक्शन मूवी देखनी है जो कि यूजुअल एक्शन मूवी से अलग हो, तो गिव इट अ गो, ये मूवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। सेकंड मूवी इन दिस लिस्ट इज नोबडी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। नोबडी कहानी है एक आम इंसान की, कैसे वो नॉर्मल लाइफ जीता है और जब कुछ लोग उसकी फैमिली को थ्रेटन करते हैं तो कैसे वो एक नोबडी से समबडी बन जाता है। इस मूवी के लीड एक्टर बॉब ओडेनकर्क को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि वही एक्टर है जो बेटर कॉल सॉल और ब्रेकिंग बैड जैसी मास्टरपीस सीरीज में था। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही लेवल पे है। मूवी देख के ऐसा लगता है जैसे इसके डायरेक्टर के पास जो भी था सारा एक्सपीरियंस उन्होंने ये मूवी बनाने में झोंक दिया है, चाहे वो कार एक्शन सीक्वेंसेस हों या फिर बस फाइट। सबको इतना ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किया गया है सच दैट यू विल ऑलवेज बी एट द एज ऑफ योर सीट। एक चीज़ जो मुझे इस मूवी की पर्सनली काफ़ी बहुत अच्छी लगी वो है इसके एक्शन सीक्वेंसेस और इसका डार्क ह्यूमर। तो अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जो एक्शन को रीडिफाइन कर दे, आपके एडिनरिन लेवल को बढ़ा दे और आपको कुछ अलग ही दिखाए, देन गो एंड चेक दिस आउट। द मूवी विच कम्स फर्स्ट इन द लिस्ट इज मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1। गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर समवन्स ग्रीड। ये मूवी हमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाती है कि कैसे इंसान अपने लालच की वजह से आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे और रह जाएगी तो बस एक दीवार जो अमीर और गरीब को सेपरेट करने का काम करेगी, जिसमें जो अमीर और पावरफुल है उसी के पास सारे रिसोर्सेज हैं और वो खुद को भगवान समझता है और बाकियों को सप्रेस करके रखता है। अब क्या कोई आएगा जो उनके बीच की दीवार मिटाए और गरीबों को उनका हक दिलाए या उनको तानाशाह के चंगुल से बाहर निकाले? तो सवाल हमारे पास बहुत हैं और इनके जवाब आपको मूवी देखने पर मिलेंगे। मूवी के एक्शन सीन्स आपको एक अनदेखा सा एक्सपीरियंस ज़रूर देंगे जिन्हें आप कभी भुला नहीं पाओगे। तो अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जिसमें ओवर द टॉप एक्शन सीन्स के साथ साथ एक्टर्स की भी दमदार परफॉर्मेंस हो तो ये मूवी बस आपके लिए है, इसलिए जाओ और देखो। सारे मूवीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ दिमाग हिला देने वाली फिल्मों के साथ। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।